सोमायरा न्यूज और आपके साथ मैं हूँ मानसी राठौर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ द्वारा पीएम मोदी को लेकर लिखी गई चिट्ठी पर तंज कसते हुए कहा कि सब राजनीति ट्विटर पर रह जाएगी। वहीं भोपाल में 10 दिन के लॉकडाउन लागू होने पर गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना जब अपनी स्थिति को लेकर भयावहता से व्यापकता की ओर बढ़ता है तब चक्र को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल में कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। हमने प्रदेश में कई जगह लॉकडाउन लगाकर स्थिति को कंट्रोल किया है। हमारी सभी से प्रार्थना है कि लॉकडाउन का पालन करें। साथ ही कहा कि भोपाल में आने और जाने के लिए ई पास बनेंगे। मेरी सभी बहनों से निवेदन है कि इस बार ई राखी बनाएं। वहीं फूलसिंह बरैया के बयान पर बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फूलसिंह बरैया मेरे मित्र हैं, उनको काफी प्रकार का अनुभव है। आपको बता दें कि फूलसिंह बरैया ने कोरोना को बीजेपी का कमाऊ पुत्र बताया था। कांग्रेसी नेताओं की चेतावनी के बाद गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के जो नेता लॉकडाउन पर सवाल उठा रहे हैं वो गारंटी दे कि वो कोरोना रोक लेंगे, हम लॉकडाउन हटा लेंगे। इस तरह की बातें जान पूछ के करते हैं क्योंकि आप लोग स्थान दे देते हो। इसी कारण से तो ट्विटर ने भी अपना स्थान उनको हटा दिया, बैन कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति भारत के अंदर भी है कि जैक पैटिंग डोर्सी ने भी, जैक साहब ने भी कहा कि इसको तो बैन ही कर देना चाहिए। ट्विटर का मालिक है? हाँ, उसी का नाम है। सर, जनता के मन में ये सवाल है कि जो कोरोना है सिर्फ जनता के लिए है। एक वो जो कुर्बानी वाली बात कहते हैं, देखो इसको बीमारी को जाति धर्म भाषा या समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। और बीमारी कोई भी हो वो जाति देखकर नहीं आती है, वो धर्म और भाषा देखकर नहीं आती है। गरीबी और अमीरी देखकर भी नहीं आती है बीमारी। ये बीमारी होती है तो बीमारी के लिए सावधानी जरूरी है। और हमने पहले दिन से एक बात कही है, कोरोना से डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। हाँ, अब सर, फूल सिंह बरैया का कहना है।